पत्रकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आईन और कानून के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद राय दे दी। भुट्टो रेफरेंस की समाप्त के बाद अदालती राय में कहा गया कि फैसला नजरसानी मुस्तरद होने के बाद पेनल्टी इख्तियार कर चुका है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसला कलअदम करार नहीं दे सकती। आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार से समाप्त ने भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। अदालत फेयर ट्रायल ना होने के हवाले से बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदेही करेगी। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिजी से माजी के गलत इकदाम और गलतियों का सामना करना चाहिए। अदालत ने करार दिया कि हमारे सामने ये सवाल था कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक मिला, क्या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। रेफरेंस ने आर्मदियत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर मुआवजत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। फैसले के बाद उम्मीद है कि निज़ाम सही समत चलना शुरू हो जाएगा। तफसीली फैसले पर वकला से बात करके तफसीली बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो राय सुनते ही आप दीदा हो गए। जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करते रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली नई खवातीन और अकलियती अरकान से कल तक हलफ ना लें। अदालती हुक्म में सवाल किया गया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिसेस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। हमारी 180 सीटें खा गए। इलेक्शन में 40% टर्नआउट रहा। धांधली ज़दा फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक टर्नआउट 99% है, जो कि नामुमकिन है। धांधली का जो तरीका अपनाया गया पहली बार हुआ। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। बानी पीटीआई से मुशावरत कर ली है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तैमूर खान झगड़ा बोले, रातों रात नतायज बदल दिए गए। नवाज शरीफ के 378 वोट्स को 1378 बनाया गया। कुछ जगह तो वोटर्स की तादाद कम है लेकिन वोट ज्यादा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मेरे हलके में 40% टर्नआउट को 80% कर दिया गया। एक जमात को हराने के लिए इन्होंने गलत हथकंडे अपनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओपोजिशन को वार्निंग। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओपोजिशन इंतखाबात में शिकस्त के बाद हालत गम में है। इनकी तनकीद बराए तनकीद से घबराने वाली नहीं। ओपोजिशन ने जो करना है कर ले, लेकिन एहतजाज के नाम पर आवाम को तंग किया या अपनी शिकस्त खुर्दा जहनीत को मुसल्लत करने की कोशिश की तो उन पर रहम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है पेशावर। बारिशों से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का ऐलान। कहा, बारिशों और सैलाब मुतासरीन पर इस वक्त मुसीबत की घड़ी है। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मुकम्मल तबाह घर बनाने के लिए 7 लाख रुपये और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 20 लाख रुपये। जख्मी अफराद के इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के निर्गे में आ चुका। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी ना की तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। NDMA और PDMA को मिलकर तैयारी करना होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर की मुलाकात, कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। अफवाजे पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सिप्पा सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफ किया। जनरल आसिफ मुनीर ने शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक का आगाज सिंध से होगा, कारकुन बलोचिस्तान KP पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक की क्यादत खुद करेंगे। उधर लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में मौलाना बोले, 2018 में धांधली हुई तो 8 फरवरी को भी धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के साथ सख्त जंग लड़ी, इंतहाई तलखियों के बावजूद वो लोग हमारे पास आए, हमने वेलकम किया। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। अगर आइन नहीं है तो कोई सूबा मुल्क के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सोचना होगा जमहूरियत आज क्यों कमजोर हो गई। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीग-उर-रहमान ने हलफ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा मिला। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह को ज़रात, मोहम्मद काजिम पीरजादा को आबपाशी, राना सिकंदर हयात को स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान दिया गया। ज़ीशान रफीक बल्दियात, बिलाल अकबर खान ट्रांसपोर्ट, सुहेब अहमद मलिक सिविल एंड वर्क, अजमा बुखारी इतलात की वजीर होंगी, मिलाल यासीन को महकमा खुराक, रामेश सिंह अरोड़ा को अकलियती अमूर, खलील ताहिर को महकमा इंसानी हुकूमत, फैसल अयूब को वजारत खेल दी गई, शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शेर अली गोरचानी को मादनियात, सुहेल शौकत भट्ट को महकमा सोशल वेलफेयर, मुश्तबा शजाउर रहमान को खजाना का कलमदान दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वजीरों को मुबारकबाद, कहा नई काबीना से आवाम को बहुत तवक्कुआत है, इंशाल्लाह आवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने 9 मुंतखब वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अराकी ने सूबाई असम्बली सिविल और फौजी अफसरों की हल्फ बरदारी में शिरकत। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद काबीना का हिस्सा। मीना खान, फजल शकूर, जाहिर शाह, नज़ीर अहमद अब्बासी, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर्रहमान, सैयद कासिम अली शाह और फैसल खान तरकई भी वजीर बन गए। सैयद फखर जहां, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ, मिशाल आजम और जाहिद चंद जेब को मुशीर बनाया जाएगा। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरत फाइनल मरहले में दाखिल। सेनेटर इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। बैंकर औरंगजेब खान को मुशीर खजाना लगाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के लिए अहम उम्मीदवार। अता तारर को वजीर इतलात, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर। आजम नज़ीर तारर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान चौधरी, सालिक हुसैन को भी वजीर बनाने का इम्कान। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को भी मुआवने खसूसी और मुशीर लगाने पर गौर। खुरम दस्तगीर, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक, इरफान सदीकी, अमीर वकाम, अनोशा रहमान, नौशीन इफ्तिखार, हनीफ अब्बासी, रियाज पीरजादा के नामों पर भी मुशावरत। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इलेक्शन साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और 47 के तजाद ने भी खदशात को बढ़ाया। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी का फुकदान रहा। पिल डॉट ने आम इंतखाबात के बारे में अपने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा, फोन और इंटरनेट बंदिश से EMS सिस्टम मुतासिर, आवाम के लिए इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक बड़ा तनाजा बनी रही। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत, 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 190 मिलियन पाउंड केस में शेख रशीद का नाम ECL से निकाल दिया गया। अदालत ने शेख रशीद को उमरे पर जाने की इजाजत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला की भी अदालत में पेशी।
नशिस्तें कम पड़ें तो पीएसएल की खाली नशिस्तें भी ले लें। बेशतर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहें तो उनकी मखसूस नशिस्तें भी ले लें। सेनेटर फैसल जावेद का इलेक्शन कमीशन पर तंज, कहा इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया, फॉर्म 45 सब कहानी बता रहे हैं, अदालतें इलेक्शन की तहकीकात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइंद करार दे दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी क़यादत को मुबारकबाद, कहा तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराज़ से एक नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफिकता राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इतिहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद पंजाब में नई पार्टी पोजीशन बन गई। नून लीग को खवातीन की 57 और अकलियतों की 7 नशिस्तें मिली। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 224 हो गई। सुन्नी इतिहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीतीं, एक आज़ाद शामिल हुआ, 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। IPP के 6, TLP, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM की 1-1 सीट है। पंजाब असम्बली के 1 हल्के में इलेक्शन नहीं हुआ, 4 हल्कों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। उधर पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की नशस्तों पर नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत्म, इलेक्शन कमीशन ने इजाफी नाम मांग लिए, 9 मार्च तक तरजीही फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला का दौरा, हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रूल आउट तकरीब में शिरकत, चीन के सफीर और आला हुकाम भी शरीक हुए। सिपा सालार को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। असलहे और दीगर हथियारों को अंदरूने मुल्क तैयार करने के हवाले से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग शोबों का दौरा, अहम संगे मील की कामयाबी पर ऑफिसर्स और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। ISPR का कहना है कि हैदर टैंक पाकिस्तान का दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हैदर टैंक मैदान जंग में बेहतरीन नकलो हरकत के साथ अपने तहफ्फुज़ की भी शानदार खूबियां रखता है। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बायस शर्म है। ममनू असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाजत शामिल किया गया। इस मामले पर खत लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के ममनू असलहा केस में रिमार्क्स, कहा क्लाशनकोफ कोई खिलौना या कंगी नहीं होती, स्कूल्स में जाएं तो वहां सिक्योरिटी गार्ड्स असलहा लिए खड़े होते हैं, असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा वो दहशतगर्द है या नहीं। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की वीडियोस मौजूद हैं और असलहा लिए बड़ी मशहूर शख्सियात की भी वीडियोस हैं। हम किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उम्मीद है नई हुकूमत इस मामले पर कोई इकदाम उठाए। रमजान पैकेज के लिए आवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक अफराद को रमजान पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सूबे में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगेबान पैकेज मिलेगा। 3 से 4 महीने में 12.5 करोड़ अफराद की आमदनी का सर्वे होगा। आमदनी के हिसाब से सब लोगों को इस डेटा में लेकर आएंगे। आवाम के मुंह में जाने वाला नवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी।